जी ये नंबर आया प्रेजेंट। जी सर। मोहम्मद अवैस। जी अवैस। अच्छा तो आप बता दें, जस्ट बेसिक क्वेश्चन ही है ये, इतने ज्यादा टिपिकल आर्टिकल तो नहीं थे, दो तीन ही है। कौन सा सर्टिफिकेट? हेलो, व्हाट इज, हाँ जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स? सर इंसुलेटर हैव अ लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और इंसुलेटर के अंदर सर वैलेंस बॉन्ड इज कंप्लीटली फिल होता है, लेकिन कंडक्शन बॉन्ड होता है ना, वो एम्प्टी होता है। ड्यू टू दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड टू कंडक्शन बॉन्ड इज वेरी डिफिकल्ट। ड्यू टू दैट्स व्हाई देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट इंसुलेटर आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड वो सेमीकंडक्टर दैट हैव अ इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, इनके अंदर सर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, और इनके दरमियान देयर इज अ स्मॉल एनर्जी गैप। इनके दरमियान जो होता है ना सर एनर्जी गैप होता है वो स्मॉल होता है, लेकिन जो ये होते हैं ना इनके दरमियान नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। ये लो टेम्परेचर पर सर मतलब ना ये इनके अंदर दरमियान बैलेंस बॉन्ड कम्प्लीट होता है, लेकिन जो कंडक्शन बॉन्ड होता है वो सर एम्प्टी होता है, और हम ये कह सकते हैं कि एट लो टेम्परेचर सेमी कंडक्टर बिहेव इंसुलेटर, लेकिन जब एट हाई टेम्परेचर वी से दैट एट हाई टेम्परेचर जब हम इसको देते हैं ना सर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है या जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड जाती है, क्योंकि सर इनके दरमियान एनर्जी गैप कम होता है और इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। यहाँ पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज नहीं होती क्योंकि सर इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी के होता है, और हम जानते हैं कि जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है सर एक वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड डिपेंड करता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पर डिपेंड करता है सर, उसके बाद ये डेल पी पर करता है जो उसके दरमियान गैप होता है, एनर्जी गैप पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और हम ये कह सकते हैं कि मतलब इसकी जहाँ कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। सही है। ओके ठीक हो गया जी। उसके बाद जी अरुच, यस सर। सुपर कंडक्टर्स बताएं क्या? सर जिनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो जीरो होती है, जीरो हो जाती है टेम्परेचर के साथ, उन्हें कहते हैं सुपर कंडक्टर। अच्छा, जीरो होती है तो कोई है सुपर जीरो हो कंडक्टर जाती है। बनाए सुपर, ये आईडी लाइक करते हैं वैसे, एग्जिस्ट कर रहे हैं साइंटिस्ट के, मतलब कोई है आपके माइंड में है नाम कोई इसका, कौन सा सुपर कंडक्टर है जो? सर मरकरी तो इसका मतलब इसमें फिर अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो करंट तो फिर ज्यादा गुजरेगा ना, ये कम गुजरेगा? सर ज्यादा गुजरेगा। ज्यादा गुजरेगा सर तो पोटेंशियल कितना होता है फिर इनमें? पोटेंशियल वोल्टेज जैसे आप कहते हो। वो अच्छा तो किसी को पता है कि अगर जहरी बात है करंट मैक्सिमम है किस स्टेज पे जाके तो वोल्टेज उसका क्या होगा फिर? सर वोल्टेज भी ज्यादा होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा सर वोल्टेज सबसे बड़ी मतलब ज्यादा होगा जिसकी वजह से जी सर वोल्टेज में मैक्सिमम होगा। सर इसमें से करंट पास करता रहता है, लेकिन हम लोग बाद में मतलब बैटरी को स्टार्ट में जरूरत होती है करंट पास करवाने के लिए, तो
लेकिन बाद में हम लोग बैटरी को हटा भी लेना तो इनफिनाइट मैनी टाइम तक ग्रांट पास करता रहेगा। यस सर, विदाउट द सोर्स ऑफ ईएमएफ करेगा ना बाद में, तो फिर हाँ, तो क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है उसकी, जब रेजिस्टेंस नहीं होगी तो वो उसको प्रोपेलिंग फिनोमेना खुद ही एक्ट करता रहता है। सर जी स्टूडेंट्स को सर अलाउ कर गेटिंग एरिया। अच्छा एक मिनट ठहरे यार, देख लूंगा एक कौन। ओके नुमान इकबाल साहब वेटिंग एरिया में, ठीक है ओके। अच्छा एनर्जी बैंड, ये एनर्जी बैंड गैप जो है, एनर्जी बैंड गैप ऑफ द मटेरियल, ये आपके पास ये बैंड किस तरह से ये बैंड जो है वो आपके पास सिस्टम में इंट्रोड्यूस होते हैं, इंटरप्रेट होते हैं? या आप ये कह रहे हैं बैंड कैसे बनता है? सर व्हेन व्हेन मेनी एटम्स कम क्लोज टुगेदर ना, जब बहुत सारे एटम, अगर हम एक एटम की बात करेंगे तो उसमें परमिटेड एनर्जी लेवल होंगे, लेकिन जब बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के कंबाइन होंगे ना तो देन ये बैंड क्रिएट। सर जी ये इलेक्ट्रॉन होते हैं हर एटम के पास डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है जिसको हम क्वांटाइज एनर्जी लेवल कहते हैं। जब दो एटम्स आपस में सर आते हैं इंटरेक्ट होते हैं, एक एटम दूसरे एटम के इन्फ्लुएंस में आता है, उसका जो उनका एनर्जी लेवल होता है स्प्लिट हो जाता है इन सब लेवल, सब लेवल को सर हम ग्रुप और सब लेवल होता है उसको सर हम एनर्जी बैंड कहते हैं, एनर्जी बैंड। उसके अंदर फिर फर्दर एनर्जी बैंड गैप होता है। सही हो गया। अच्छा तो आप क्या कह रहे थे कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ, क्या कह रहे थे आप लोग, कौन सा नहीं आपको क्लियर हुआ, कौन सा? माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ होम। सर माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ होम सर ये बुक से करवा दे, नोट से समझ आ गया था। नोट से आपने कर लिया था, ये बुक से नहीं आपको पता लगा? जी सर नोट बुक से समझ नहीं आ रही, बुक से नहीं समझ आ रही। ओके ओके। अच्छा इसमें जो है माइक्रोस्कोपिक व्यू और ओम जुला में, इसमें आपके पास जो है इसमें हम चेकआउट करते हैं कि जो माइक्रो लेवल क्वांटिटीज हैं वो किस तरह से शफल होती हैं, मैक्रो लेवल क्वांटिटी किस तरह से जो आपके पास शफल होती हैं माइक्रो फॉर्म क्वांटिटीज में, वो हमने डिराइव भी की थी जो आपके नोट्स में थी। इसमें जो किस तरह से ये भी हम जो है वो उसको अभी देखते हैं कि क्या आप कह रहे हैं कि इसमें क्या चेंज है, इसमें थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा है। कंडक्शन प्रोसेस के बारे में एटॉमिक लेवल के हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं, उसमें हम कंसिडर करते हैं कि जो कंडक्शन मेटल्स में है सच एज कॉपर में, उसमें जारी बात है कंडक्टिंग अगर ज्यादा होगी तो करंट उसमें ज्यादा होगा। अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो उसके लिए आपको ब्रेकडाउन क्रिटिकल पोटेंशियल चाहिए होता है। इसमें हम अपना सारा फिनोमिना हम बेस करते हैं लेट फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल पे। इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करेगा तो वहां पे ऑब्वियसली चांसेस होंगे कि करंट जो है जारी बात है वो ज्यादा फ्लो करेगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस में अगर आप बात करते हैं क्लोज कंटेनर में, जैसे उसमें जारी बात है रैंडम मोशन की वजह से जो मूवमेंट हो रही है चार्ज पार्टिकल की, इसमें वी आल्सो अज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन कोलाइड नॉट विद वन अनदर बट ओनली विद एटम ऑफ द मेटल। इसमें हम ये अज्यूम करते हैं, ऐसा होता कोई नहीं है, हालांकि एटम्स ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका इम्पैक्ट जो है कंटेनर से भी होता है और जो मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर, इसमें जस्ट अज्यूम किया है कि मॉलिक्यूल्स आर जो सिर्फ कंटेनर की वॉल्स के साथ जो है वो मूव कर रहे हैं। ये क्यों हमने किया है, ये अभी तक ये जो हमने सारा किया है ये बेसिकली इसमें हमने ये अज्यूम किया कि कोई भी कंडक्टर है उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है,
और जैसे आपके पास इन मेटल अगर आप गैस की बात करते हैं वो कंटेनर के अंदर सील्ड है, ऐसा उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन है वो जहरी बात है उसमें क्या है कि फ्रीली मूव कर रहे हैं। क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन शुड हैव अ मैक्सवेलियन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो अप्लाई होता है, और एंड दस द एवरेज इलेक्ट्रॉन स्पीड शुड डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है हमें पता है कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और इसकी जो मोशन है उसको आप लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स से देख सकते हो, बट बाय दोज ऑफ क्वांटम फिजिक्स क्या होगा, एज इट टर्न्स आउट एन अजम्पशन दैट इज मच क्लोजर टू द क्वांटम रियलिटी इज दैट कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल मूव इज सिंगल इफेक्टिव स्पीड। क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, क्वांटम थ्योरी जो है माइक्रो लेवल थ्योरी होती है, क्लासिकल थ्योरी होता है मैक्रो लेवल थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स में वो हम ये हमारे पास सिंगल इफेक्टिव स्पीड की बात होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो लीनियर स्पीड में वेरी फास्ट स्पीड से मूव करते हैं। दिस स्पीड इज एसेंशियली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, फॉर वी इफेक्टिव 1.6 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड जो है इफेक्टिव स्पीड होती है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन, अगर आप क्वांटम माइक्रो लेवल स्टडी में बात करते हैं उसमें हो, अगर आप उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं मेटल पे, इलेक्ट्रॉन मॉडिफाई देयर रैंडम मोशन स्लाइटली एंड ड्रिफ्ट वेरी स्लोली। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ने जारी बात है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि व्हेन यू हैव टू अप्लाई फोर्स, अगर आप इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप जो हमने गॉसेज लॉ में पढ़े वो आपने के क्यू ओवर आर स्क्वायर पढ़ी थी चार्ज पे, अगर आप बात करते हैं, अगर आप उसमें बात करते हो क्लासिकली तो E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू फोर्स पर यूनिट चार्ज, आपने उसको देखा हुआ है। तो इसमें द ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगा, इसमें इन अ डायरेक्शन अपोजिट डेट ऑफ द फील्ड विद द एवरेज स्पीड वी डी। The drift speed in typical metallic conductor is, ये हमें पता है कि इतनी आप लेते हैं 5 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, लेस देन द इफेक्टिव स्पीड बाय मैनी ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। अब देखो कि इसमें हमने ये किया है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो उसका ये इम्पैक्ट आया कि आपके पास फील्ड जो आपके पास है वो 5 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड है, which is less than effective speed by many order of the magnitude. Effective speed तो हमें पता लग गई है कि वो स्पीड है जब आप क्वांटम मैकेनिकली किसी भी पार्टिकल की बात करते हो कि पार्टिकल इस तरह से आपको माइक्रो सिचुएशन में मूव कर रहा है, तो इट मीन्स यू कैन से दैट अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो आपके पास सिचुएशन जो है किस तरह से चेंज होती है। ये जो फिगर है 26.12 में आप दे सकते हैं, suggest the relation between these two of the applied fields. इसमें दो right fields जो हैं, just one minute. हाँ जी, दो applied fields जो हैं उसमें उसने discuss किया है। Gray line shows a possible random path for an electron in the absence of, ये gray line जो है ये in the absence of electric field, वो कहता है कि अगर नहीं है तो क्या है? We see that our absence of electric, the electron proceeds from path A to B, मतलब कि इस तरह से पाथ है इलेक्ट्रॉन का, पहले इलेक्ट्रॉन उधर गया फिर इस तरह zigzag पाथ में मूव कर रहा है when the electric field is absent. तो उसके बाद क्या हुआ कि एक मिनट, जी फिगर में हम देख सकते हैं जो ग्रे दो लाइंस हैं 22.6 में, इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम ए टू बी मेकिंग 6 क्लियन एंड रूट, मतलब कि इसमें जो पॉसिबल क्लियन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ए टू बी तक आप जाते हैं जब, तो 6 इंपैक्ट्स आर कवरिंग अलोंग द वे। और जो ग्रीन लाइन है शो हाउ द सेम इवेंट माइट अकर व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे तो किस तरह से हुआ, वी सी द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्टेडीली टू द राइट एंडिंग एट बी प्राइम रादर देन बी, के मतलब कि वो स्लाइटली शिफ्ट होगी
गुजारी बात है, उसपे उसने चेंज तो करना है, उसके पाथ को डिट्रैक करेगा थोड़ा सा. फिगर दिस वॉज ड्रॉन विद द अजम्पशन व्हेन VD इज इक्वल टू 0.2 वी इफेक्टिव. कि इस फिगर में जो आपके पास है इसमें ये अज्यूम किया गया कि था कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो 0.02 ऑफ द इफेक्टिव स्पीड के बराबर है. बिकॉज एक्चुअल वैल्यू इज मोर लाइक VD 10 raised to power minus 13 V effective. The drift displayed in the figure is greatly exaggerated. इसमें मतलब कि ड्रिफ्ट में चेंज आई है और जो मोशन है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड में दस अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन ड्यू टू द रैंडम कोलिजन एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन वी कंसीडर ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स देयर मोशन एवरेज टू जीरो. अब अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उनकी जो रैंडम मोशन है उसका अगर आप एवरेज लें तो वो थ्रू टिपिकल ऑल कोलिजन दे माइट बी जीरो एंड मेक नो कंट्रीब्यूशन टू द ड्रिफ्ट स्पीड. दस ड्रिफ्ट स्पीड इज ड्यू टू ओनली द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स. के जो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब आपके पास जो ड्रिफ्ट फील्ड है उसका मेनली जो है वो इम्पैक्ट आएगा, अदरवाइज नो इम्पैक्ट इज कंट्रीब्यूटेड इन दिस. तो फिर आगे एक रिलेशन बस बताया कि अगर मास एम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो उसके लिए ए इज इक्वल टू दिस ई ओवर एम. तो अगर टिपिकल कोलिजन की बात करते हैं, ईच इलेक्ट्रॉन विल सो टू स्पीक कंप्लीटली लूज इट्स मेमोरी ऑफ इट्स प्रीवियस स्पीड. के अगर टिपिकल कोई भी कोलिजन है उसमें ऐसे होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से कोलाइड करता है तो फिर उसने दूसरे पिछले को फिर छोड़ देना, फिर नेक्स्ट पे जाके मूव करेगा, फिर नेक्स्ट पे, और इसी तरह से स्टार्टिंग फ्रेश एंड मूविंग ऑफ इन द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन इन द एवरेज टाइम कोलिजन बिटवीन द एवरेज इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर अ ड्रिफ्ट स्पीड वी इज इक्वल टू ए टॉ. तो ये आपके पास वही है, एक्सर ए इज इक्वल टू वी ओवर टी है. मोर एवर इफ वी मेजर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एट एनी इंस्टेंट वी विल फाइंड दैट देयर एवरेज स्पीड इज ए टॉ. अगर एवरेज स्पीड ऑल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं उनकी ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो ऊपर हमने देखी है ए टॉ है. दस एन इंस्टेंट ऑन एवरेज इलेक्ट्रॉन विल हैव स्पीड वी डी, और इक्वेशन जो है वी डी इज इक्वल टू ए टॉ. तो ए ए को वैल्यू पुट किया आपने, तो ये ऊपर आप देखें एक ही जगह पे आपने ई ई लिख देना है. ये जो ऊपर इक्वेशन जो है ई ई ओवर एम क्लासिकली इसको, तो सो आप ये कह सकते हैं स्टेडी ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस ई. एक्चुअली द ग्रीन लाइंस शुड बी स्लाइटली कर्व्ड. ये जो ग्रीन लाइंस है ये ऐसे तो हम ड्रा की हुई इस तरह से है, बट दीज आर शुड बी स्लाइटली कर्व. क्यों? क्योंकि जो फील्ड का इफेक्ट है वो उसको डाइवर्ट करता है. रिप्रेजेंट द पैराबोलिक पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कोलिजंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर जारी बात इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो उसने पाथ को डाइवर्ट करवाना है, तो अगर पाथ वहां से डाइवर्ट होगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो सर्टन कॉम्बिनेशन से चेंज होती है. तो इसको कंबाइन करते हैं तो वी डी जे ओवर एन ई टी बाय दिस. तो आगे एंड पे जो है रो की फॉर्म में इस फार्मूला को हम ले आए, इज इक्वल टू रो जे होता है ना, तो रो इज इक्वल टू एम ओवर ई स्क्वायर एन टाउ. ये रिलेशन है जो पहले भी आपके पास प्रीवियस में डिस्कस किया हुआ है, ये डेंसिटी रिलेटेड जो है टाइम कांस्टेंट इसमें और बाकी इफेक्टिव मास वगैरह जो है इसके अंदर था. ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं मेटल्स ओबे ओम्स लॉ. इफ वी कैन शो दैट फॉर मेटल्स देयर रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट. अगर इस अगर रेजिस्टिविटी उसका आपके पास कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो उसकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए बात है इसमें रिलेशन में है ही नहीं वो इंडिपेंडेंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक. लेट्स कंसीडर द क्वांटिटीज इक्वेशन दिस. वी कैन रीजनेबली अज्यूम दैट एन द नंबर ऑफ कंडक्शन पर वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट
जी हेलो जी सर। अच्छा तो इसमें आपके पास ये जो लास्ट इक्वेशन है, अगर आप उसको देखते हैं, इसमें आपके जो टाइम मीन फ्री टाइम है किसी भी सक्सेसिव क्लाइंट पे, वो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने कल भी इसको डिस्कस किया था कि ये इस रिलेशन में जारी बात है कि वो आपके इफेक्टिव टाइम उस पर डिपेंडेंट नहीं है कि, और इट इज टॉ इज हार्डली अफेक्टेड बाय फील्ड, दस बिकॉज द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द फील्ड मैग्नीट्यूड। सो अगर वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड पे नहीं डिपेंड कर रहा तो ओम्स लॉ को वो पे करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास वो डेविएशन आ जाती है पीक में, अगर वो उसमें आएगा तो वो नहीं करेगा। अगर वो वेरिएबल उस पर इंडिपेंडेंट है तो वो लाइन जो है वो स्ट्रेट मिलेगी, तो ओमिक मटेरियल्स जो है वहां पे जनरेट होते हैं। इसमें सिंपल ये किया आपने कि जस्ट यू हैव टू एनालाइज कंडक्टर्स, उसके बाद आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से ड्रिफ्ट स्पीड चेकआउट करके क्वांटम मैकेनिकल जो अफेक्टिव स्पीड थी उससे कंपैरिजन किया, फिर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो वो किस तरह से वो उसकी स्पीड कम हुई, तो फिर लास्ट पे हमने ये देखा कि जो दो ट्रैक्स लिए, एक ट्रैक था जिसमें फील्ड है, एक ट्रैक था जिसमें फील्ड नहीं है, तो दोनों के फील्ड चेकआउट करने के बाद कितनी सक्सेसिव कोलिजन हुई कि उसको आपने माइक्रो लेवल पे फोर्स पे चेकआउट करके फिर उसको कन्वर्ट किया माइक्रो क्वांटिटीज में, तो मतलब के रो की फॉर्म में लेके आए। ये जो आपके पास है रो जे, ये आपके ये माइक्रो लेवल क्वांटिटीज है। हमने देखा था आर जो है ना, आर वो माइक्रो लेवल क्वांटिटी है और जे जो है वो माइक्रो लेवल क्वांटिटी है। तो इसी तरह से जो आपके पास आई और जे वाला रिलेशन है तो उसमें भी आप माइक्रो और मैक्रो का रिलेशन कैलकुलेट कर सक चुके हैं बस। हाँ जी नुमान इकबाल। हाँ जी ठीक हो गया। अब आपने ऐसे करना ना, कोशिश करें कि नेक्स्ट वीक में एक कंप्लीट चैप्टर हो, हाफ जो है ना वो इस तरह से तो नहीं हो सकता फिर सही कंप्लीट ना। अभी चले एक, अब तो आपके पास एक पूरा वीक है, तो उस वीक में कोशिश करें कि इससे प्रीवियस जो चैप्टर है ना उसको आप कंप्लीट करें। तो एक टॉपिक जो है नेक्स्ट वीक में मैं आपको गो थ्रू करवाऊंगा, एक स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद बाकी जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? इंशाल्लाह सर। ओके सर। तो ट्राई किया करें मैक्सिमम। हाँ जी ट्राई किया करें यार मैक्सिमम चीजें मतलब के स्टडी करें, कोई मतलब इश्यूज हो वो हाईलाइट किया करें,
तो उसमें डिस्कशन चल, ये जो सेशन होता है ना इसमें ये आप जारी बार डिस्कशन ही है ना, इसमें कोई आप पूछ लें चीजें, कोई एक दूसरे डिस्कस करें, आप लोग भी कुछ मेरे से पूछें, ठीक है ना। तो उससे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नहीं आते, वो सॉल्व हो जाती हैं चीजें, ठीक है। सर ये पावर डिसिपेशन में दो फार्मूलाज थे, P is equal to I square R और एक P is equal to V square over R। सर एक मतलब शो कर रहा है पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक शो कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनके दोनों में समझ नहीं आया। एक है I square R और दूसरा V square over R, और ये पावर डिसिपेशन वाला। हाँ तो ठीक है ना, पावर डिसिपेशन वाला है। तो इसमें आप देखें ना, अगर आप वोल्टेज के साथ उसको रिलेट करेंगे तो वो आपके पास P is equal to I square R है। तो I square अगर करंट के साथ करेंगे, मतलब P is equal to I square R, उसका रिलेशन है अगर करंट करंट के साथ, करंट सर्किट में जो है वो किस हिसाब से मैग्नीट्यूड में जाएगा। और अगर आप वोल्टेज के साथ चेंज करते हैं उसको, वो सिंपल ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं ना, V इज इक्वल टू आई आर, वहां से I इज इक्वल टू वो V ओवर R में चला जाता है। तो इसका इम्पैक्ट ये है कि आप डिपेंड करते हैं, देखे ना कोई डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट क्वांटिटीज, अब आप दो चीजों के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हो, एक वोल्टेज के दरमियान एक करंट के दरमियान, ठीक है। तो जब आप वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हो, तो जहां तक आपके लिनियरिटी आपको शो होती है, तो यू से दैट दीज मटेरियल्स शोज द ओमिक ओम्स लॉ और ओमिक मटेरियल्स, व्हेन द लिनियरिटी इज चेंज देन दिस इज चेंज। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जब आप चेंज करते हैं कोई पैरामीटर को, तो उसकी जो है वो इम्पैक्ट भी चेंज हो जाता है। मतलब अगर देखें कि एक पोटेंशियल और करंट एक जैसे रहते थे कुछ, तो फिर इसका मतलब रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होती थी। वी और आर जो है जब सेम उसी वक्त रहते हैं ना, जब आपके पास रेजिस्टेंस जो है सेम है, बट जब रेजिस्टेंस चेंज होती है तो उसकी पीक में जो है वो डेविएशन आ जाती है, ठीक है। और कोई नहीं है, जस्ट ये फार्मूला है, इसका रिलेशन है ओम्स लॉ से, ठीक है। ट्वेंटी टू कर लें, जैसे इट इज अप टू यू, 22 करेंगे सर, 22 ठीक है। नहीं करने तो सारी पढ़ने हैं, नहीं तो करने तो सारी पढ़ने हैं, यस सर करने तो फिर सारे ही अपन 22 कर देते हैं। चले आप जो है अगर 22 आपको है 22 कर लें, कोई इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर, तो नहीं लेना भाई वैसे जी, सैटरडे वाले दिन तो नहीं लेना भाई प्रैक्टिकल के रिलेटेड को थोड़ा बहुत देख लेंगे, तो बाकी प्रैक्टिकल भी बस ना कर दें, ज्यादा हो गया, वो 5-6 तो हो गया प्रैक्टिकल भी। चले देखेंगे उसको जितना मतलब कर सके, चले ऐसे कर ले, ये पूछ ले बाकी स्टूडेंट से, मुझे कोई इतराज नहीं, ऐसे कर ले। यस सर ठीक है, ऐसे हाफ, यस सर ऐसे ठीक है। अच्छा हाफ फ्राइडे को हो जाएगा, हाफ मंडे को हो जाएगा, यस ठीक है, चले सही है, ये भी सही है। ओके तो फिर ट्यूसडे को सर आगे पढ़ना है कि फिर वो ट्यूसडे को, फिर ट्यूसडे को, फिर ट्यूसडे को और हाफ करेंगे, फिर सर मंडे ट्यूसडे ठीक नहीं है सर एक चैप्टर नहीं नहीं मंडे ट्यूसडे कैसे ठीक, बस सही है, आप करना चाहते हैं पढ़ा देना सर, चले आगे पढ़ लेंगे,
हाँ हाँ ठीक है, नेक्स्ट करेंगे ऐसे आगे पढ़ लेंगे। हाँ आप फ्राइडे और मंडे कर लेना, तो बाकी इंशाल्लाह फिर हम ट्यूजडे को कर लेंगे। ओके सर। ओके सर जी, चले ठीक हो गया फिर। ओके टेक केयर।